दोस्तों, पूरे देश में आज एक दवा ने कोहराम मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोना की दवा कोरोनिल की। चारों तरफ हलचल मची हुई है कि क्या कोरोनिल एक फर्जी दवा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया, मिशन आरोग्य में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको इस दवा की और इस की सच्ची कहानी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अपने लोगों में इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी सच्चाई। दोस्तों, क्या आपने इस बात पे गौर किया है? पूरे दुनिया में कोरोना के मरीजों की हालत सिर्फ काढ़े से ठीक हो सकती है, अश्वगंधा से ठीक हो सकती है, यानी कि आयुर्वेदिक उपायों से मरीज ठीक हो रहे हैं। तो फिर ये कोरोनिल जैसी आयुर्वेदिक दवा फर्जी है या नहीं है? आयुर्वेद के घरेलू उपायों से लाखों सीरियस मरीजों की जिंदगी बचाई जा सकी है और ये बात पूरे विश्व में प्रमाणित हो चुकी है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां या कोरोना जैसी दवा कोरोना की दवा नहीं है? WHO ने अप्रैल में कहा था कि कोरोना का इलाज सिर्फ भारत में सकता है, क्योंकि भारत ने पहले भी कई बड़े और गंभीर रोगों का इलाज किया है और भारत के पास विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद है, जो कोरोना में भी कारगर है। दशकों पुरानी संस्थान जिनके पास अपने खुद के वैद्य है, रिसर्च है, उन्होंने काफी मेहनत की, मशक्कत की और आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर दवा कोरोनिल का खोज किया। दोस्तों, ग्लेनमार्क ने दवा लॉन्च की, सिप्ला ने दवा बनाई, सबने तालियां बजाई, लेकिन पतंजलि ने कोरोनिल के बारे में बात क्या की, हर तरफ बिना जाने समझे विरोध शुरू हो गया। कोरोनिल का विरोध भी वो लोग कर रहे हैं जो गोरा होने की क्रीम 400 साल से लगा रहे हैं मगर गोरे नहीं हो पाए। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी, कोरोनिल और बाबा रामदेव का विरोध दरअसल ये क्योंकि तो इसकी सफलता एक लॉबी, एक माफिया की सारी प्लानिंग को खत्म कर दे रहा। इसकी सफलता बहुत बड़े लूट के कारोबार को खतरे में डाल रही है। वो लोग जो अस्पताल के मास्क और किट से लेकर एक एक बेड के लाखों लाखों रुपए पेशेंट से वसूल रहे थे, वेंटिलेटर का धंधा कर रहे थे, उनके धंधे पर चोट हुई है। अगर आप स्वस्थ हो जाएंगे तो लूटपाट कैसे करेंगे? दोस्तों, अनेकों देशों में, यहाँ तक कि भारत में भी अंग्रेजी दवाइयों का परीक्षण, एक खास आयुर्वेद के नाम पर मंत्रालय होने के बाद भी आयुर्वेद दवाओं को महत्व तो नहीं दिया जाता बल्कि टांग अड़ाई जाती है, क्योंकि अरबों खरबों का मुनाफा खतरे में पड़ जाता है। जो काम खुद आयुष मंत्रालय को करना चाहिए, अपनी निगरानी में करनी चाहिए, वो बाबा जी ने कर दिया, लेकिन आयुष उसका साथ देने के बजाय उन पर साजिशें रच रहा है। कोरोनिल का कांग्रेस सरकार विरोध कर रही है, NGO के हवाले से विशेष समुदाय वाले केस कर रहे हैं, कम्युनिस्ट विरोध कर रहे हैं और एलोपैथी डॉक्टर तो विरोध करेंगे ही करेंगे। ये सब अपना काम कर रहे हैं, पर हमें भी समझदार बनना होगा। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये लड़ाई बाबा रामदेव पतंजलि की नहीं है, ये लड़ाई आयुर्वेद की है, सत्य सनातन की है, और इसका विरोध का कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात ध्यान से दोस्तों, आज देश में लाखों सरकारी अस्पताल, कुल अस्पतालों की संख्या लाखों में है, लेकिन वहां भी आपको बाहर की दवाइयां, क्यों? क्योंकि तो वहां धंधा हर गंभीर बीमारी का, और जब बात अपने पर आती है तो आप पैसा नहीं देते, इस बात का फायदा। 1200 रुपए की एक सुई आपको 20,000 की मिल सकती है। एक छोटी सी एक रिंग या छोटा सा एक कोई पार्ट आपके हार्ट में फिट किया जाता है और उसके लिए आपसे लाखों वसूले जाते हैं। और यहाँ तो मामला कोरोना का है, यानी आपकी जिंदगी और मौत का। इतने सस्ते में अगर आपको जिंदगी मिल जाए, आप स्वस्थ हो जाए, ये लुटेरों को रास नहीं आ रहा है। आप इस दवा को परखिए, सच्चाई का खुद पता करिए, ये आसान तरीका है। आप देखिए कि कोरोना शरीर पर किस तरह असर करती है और उसके बाद कोरोनिल के इस्तेमाल से या इन इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक औषधियों के इस्तेमाल से क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता है। दोस्तों, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे आपको इस दवा की सच्चाई का पता चलेगा और आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि दवा कारगर है। दोस्तों, सच्चाई उन्हें पसंद नहीं आती जिनका दामन मैला होता है। कोरोनिल का विरोध ऐसे लोग ही कर रहे हैं जिनका दामन मैला है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे एलोपैथी दवाएं बंद हो जाएंगी, एलोपैथ को बड़ा नुकसान होगा, जिसके कारण बाबा रामदेव को भी दवा लॉन्च करने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी का दवा लॉन्च नहीं किया जा सकता है, दबा दिया जा रहा है,
न जाने कितने ऐसे आयुर्वेद कंपनियां हैं जिन्होंने रिसर्च किया होगा और उनके रिसर्च को दबा दिया गया। दोस्तों, कोरोनिल जितनी ही कारगर औषधि आरोग्य रसायन जो हमने आज से कई महीने पहले लॉन्च कर दी थी, मगर हमें इसके लाइसेंस तक को नहीं दिया गया और हम इसको लॉन्च नहीं कर पाए, और वही हस्र आज मैं बाबा। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, बाबा जी ने शेर की मांद में हाथ लगा, अरबों खरबों के धंधे पर चोट की तैयारी की है, इसलिए अब उन्हें हर तरफ से घेरा। मगर हमें आपको समझना होगा, ये लड़ाई उनकी नहीं, हम सब। हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीके आरोग्य में रिसर्च ने भी आयुर्वेद के द्वारा किडनी और डायबिटीज 20 साल से अधिक रिसर्च किया। डायबिटीज पेशेंट का इंसुलिन बंद करना हो या किडनी पेशेंट्स की डायलिसिस को बंद करना हो, हमने रिसर्च के द्वारा सिराज को ढूंढ लिया। पूरी दुनिया के हजारों मरीजों को हमने नॉर्मल जिंदगी दी, स्वस्थ जिंदगी दी। लेकिन दोस्तों, बीके आरोग्यम जो रिसर्च किडनी और डायबिटीज पेशेंट के लिए कर रहे हैं और डायलिसिस बंद करके आयुर्वेद के द्वारा नॉर्मल स्वस्थ जिंदगी दे रहे हैं, लेकिन हमें आयुर्वेद के विभाग से और आयुर्वेद से हमें भी हमारे रिसर्च के लिए दबाया जाता है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है हमारे देश के सारे नेफ्रोलॉजिस्ट आज बीके आरोग्यम को अच्छे से जानते हैं, मगर वो हमें सपोर्ट नहीं करते बल्कि विरोध करते हैं, क्योंकि उनका बाजार डिस्टर्ब होता है। लाखों रुपए जो डायलिसिस करके वो कमाते थे, हमारी मेडिसिन से डायलिसिस बंद हो जाती है और उनका नुकसान होता है। वो बोलते हैं बीके आरोग्यम फर्जी है, हमारी दवाओं के लाइसेंस तक देने में हमको परेशान किया जाता है। दोस्तों, ये बाबा रामदेव की बात नहीं है, हम जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ यही कहानी है जो वास्तव में आयुर्वेद के लिए, देश के लिए। हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स और हमारी रिसर्च टीम जिन्होंने वर्षों तो जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया, आपके दवाई तैयार की जो 100% कारगर है बिना साइड इफेक्ट के, लेकिन आज ये कंपनियां, ये लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने। दोस्तों, इस बात की सच्चाई को परखिए, क्योंकि ये मामला आपकी आपकी देश की परंपरा का है, आपकी संस्कृति का है, हमारे आयुर्वेद का है, जिस पे आरोप लगाकर ये भूखे भेड़िए हमें नोच खाने को तैयार है। दोस्तों, आज एक टाइम आ गया है, समय आ गया है कि हम वापस आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं, इन एलोपैथ दवाओं के चंगुल से और इन भेड़ियों के चंगुल से अपने आप को बाहर निकालें, अपने परिवार को बाहर निकालें और हम अपने देश को और अपने आप खुद को आत्मनिर्भर बनाएं। मिशन आरोग्यम इसी मिशन पे काम कर रहा है और हमें आशा है कि आप भी हमारा सहयोग करेंगे, इस वीडियो को हर उस अपने परिचित तक पहुंचाएंगे जो आज इन बातों को सुन के कंफ्यूज हो रहा है, हर उस आदमी तक पहुंचाएंगे जो स्वस्थ जिंदगी चाहता है, और हर उस आदमी तक पहुंचाएंगे जो अपनी गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहा है एलोपैथी इलाज और एक फर्जी। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने हर परिचितों को, आपको बहुत